आज के टाइम में आप देखेंगे हर इंसान अपनी हैसियत के हिसाब से गाड़ियां खरीदता है। जैसे अगर कोई मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है तो वो i10, i20, स्विफ्ट डिजायर, ऑल्टो ऐसी गाड़ियां खरीदता है जिनकी प्राइस 8 से 10 लाख रुपए से शुरू होती है और 15 लाख रुपए के आसपास मिलती है। वहीं अगर कोई हाई क्लास फैमिली से बिलोंग करता है तो वो BMW, ऑडी, मर्सिडीज ऐसी गाड़ियां खरीदता है जिनकी प्राइस होती है 30 से 40 लाख रुपए के आसपास या उनसे भी ज्यादा। वहीं दोस्तों जो नेता होते हैं और जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो रोल्स रॉयस और कई तरह की बुलेट प्रूफ कार्स में चलते हैं। लेकिन इंडिया में एक टाइम ऐसा भी था जब मिडिल क्लास से लेकर सेना के आर्मी चीफ, प्राइम मिनिस्टर और बिजनेसमैन के पास एक ही कंपनी की गाड़ियां मिला करती थी। लोग अपनी हैसियत के हिसाब से अपने पसंद के कलर की कार खरीदते थे, इवन वो कार रोड पर टैक्सी के काम में भी आती थी। देखिए दोस्तों, उस टाइम ऑनलाइन टैक्सी बुकिंग की सुविधाएं तो अवेलेबल नहीं थी, तो उसी गाड़ी को टैक्सी के रूप में बहुत ज्यादा यूज किया जाता था और उस कार को इंडिया का किंग ऑफ इंडियन रोड भी कहा जाता था और प्राइस थी उसकी मात्र 14,000 रुपए। इतने में तो आजकल खिलौने आते हैं। वैसे दोस्तों वो कार इंडिया के ऊबड़ खाबड़ रोड के ऊपर मक्खन की तरह दौड़ा करती थी और उसमें स्पेस इतना होता था कि 5 लोगों की सिटिंग कैपेसिटी में 6-7 लोग आराम से आ जाते थे। उम्मीद है दोस्तों आप समझ गए होंगे मैं किस कार की बात कर रहा हूं। अगर आप नहीं समझे तो मैं आपको बता देता हूं, मैं बात कर रहा हूं इंडिया की रोड किंग एम्बेसडर की, जो सिर्फ एक कार नहीं थी बल्कि इंडिया के लोगों का प्राइड थी और इंडिया की सबसे लंबे समय तक पसंद की जाने वाली कार थी। और दोस्तों आज भी आप कई जगहों पे स्पेशली मुंबई और कलकत्ता में एम्बेसडर की टैक्सी देख पाएंगे और कई लोगों ने आज भी अपनी एम्बेसडर को संभाल के रखा हुआ है। जैसे अगर मैं बात करूं FDCI यानी कि फैशन डिजाइन काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन सुनील सेट्टी की, तो उन्होंने बताया कि मेरी जो एम्बेसडर है वो मेरी पूरी फैमिली की प्राइड है। लेकिन दोस्तों इंडिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ ऐसा क्या हुआ कि नेताओं के बीच में इसकी पॉपुलैरिटी अचानक से खत्म हो गई, फिर 2014 में एंबेसडर को बनाना बंद कर दिया गया और एंबेसडर जो ब्रांड था वो किसी और कंपनी को बेच दिया गया। और वैसे दोस्तों आज के टाइम में अगर आप देखेंगे तो एंबेसडर के आपको कुछ गिने चुने पुराने मॉडल से देखने को मिलेंगे। पर ऐसा इसके साथ क्या हुआ, क्यों इतना फेमस होने के बाद में भी कंपनी ने एंबेसडर को बनाना बंद कर दिया? वैसे आज के टाइम में मार्केट में ये भी खबरें आ रही है कि एंबेसडर फिर से मार्केट में लॉन्च होने वाली है। सो क्या सच में लॉन्च होने वाली है, जानेंगे आज के वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद जो बेल आइकन उसे भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रजनीकांत शर्मा और आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं राइज एंड फॉल ऑफ एंबेसडर के बारे में। सो दोस्तों इसकी शुरुआत करते हैं एक कहानी से जो एंबेसडर को लेकर बहुत ही ज्यादा चर्चे में रहती है। देखिए कहा जाता है कि जब इंडिया आजाद हुआ था तो लेट जवाहरलाल नेहरू जी को इंडिया का पहला प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। तो जब भी वो किसी कॉन्फ्रेंस में या मीटिंग में जाया करते थे तो वो नॉर्मली सस्ती कार में बैठकर जाया करते थे। लेकिन दोस्तों जब बाहर के देशों से कोई बड़े नेता या फिर कोई अधिकारी आता था तो उससे जब भी मिलने जाते थे तो कार्डिलैक नाम की एक गाड़ी में बैठकर जाया करते थे। तो एक दिन लेट लाल बहादुर शास्त्री जी ने उनसे पूछा कि इसके पीछे क्या रीजन है, तो उन्होंने आंसर दिया कि देखिए जब बाहर के लोग इंडिया में आए तो उनको ये पता चलना चाहिए कि इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है वो कार्डिलैक जैसी महंगी गाड़ी के अंदर चलता है। लेकिन जब लेट लाल बहादुर शास्त्री जी को इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया तो वो हर कॉन्फ्रेंस में, हर मीटिंग में और किसी से भी मिलने के लिए एंबेसडर में बैठ के ही जाया करते थे। और जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि नेहरू जी तो विदेशी अधिकारियों से मिलने जब जाते हैं तो कार्डिलैक जैसी महंगी गाड़ी में बैठ के जाते हैं और आप तो हर जगह पे एंबेसडर का इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने जवाब दिया, देखिए नेहरू जी बहुत ही महान इंसान है, मुझे उतनी समझ नहीं है, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि जब भी मुझे कोई देखे तो वो यही सोचे कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर इंडिया की बनी हुई कार में आया है और ये मेरे लिए गर्व की बात होगी। सो दोस्तों कुछ इस तरीके की थी एंबेसडर की पहचान। चलिए अब बात कर लेते हैं कि एंबेसडर गाड़ी की शुरुआत कैसे और कहां से हुई थी। देखिए 1881 में एक फ्रेंच ऑफिसर गुस्तावे तोर्वे ने पेरिस में एक एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया और पहली बिजली से चलने वाली कार को इंट्रोड्यूस किया। और इसके 5 साल बाद मतलब 1886 में जर्मनी के एक इंजीनियर कार्ल बेंच ने पहली कार इंजिन का पेटेंट करवाया जो कि पेट्रोल से चलती थी और उसी के साथ पूरी दुनिया में कार का बोलबाला हो चुका था। धीरे धीरे इंडिया में भी कार की एंट्री होने लगी और 1896 में इंडिया में कोलकाता में सबसे पहली कार पहुंची जिसे एक फ्रॉस्टर नाम के इंग्लिशमैन ने खरीदा था। उसके बाद में 1897 में जमशेदजी टाटा ने अपनी पहली कार खरीदी और कार खरीदने वाले पहले इंडियन का खिताब अपने नाम कर लिया। उसके बाद में कई बड़े बड़े बिजनेसमैन ने कार खरीदनी शुरू कर दी लेकिन आम आदमी अभी भी घोड़ा गाड़ी और बैलगाड़ी का यूज किया करता था। 1928 आते आते इंडिया में फोर्ड और जर्मन मोटर ने अपनी कार इंडिया में बनानी और बेचनी शुरू कर दी लेकिन ये जो कार्स थी वो काफी महंगी हुआ करती थी जिसकी वजह से इंडिया के अंदर अभी भी कार को खरीदना लोगों के लिए एक सपना ही हुआ करता था। सो इंडिया के आजाद होने से ठीक 5 साल पहले मतलब 1942 में BM बिरला ने अपनी खुद की एक कार असेंबल करने की कंपनी खोली और उसका नाम रखा हिंदुस्तान मोटर्स।
अब क्योंकि उनके जो भाई साहब थे घनश्याम बिरला, वो गांधी जी के खास दोस्त हुआ करते थे, सो उन्हें इस काम के लिए काफी सपोर्ट मिला और किसी भी प्रकार की कोई अड़चन नहीं आई। पीएम बिरला ने हिंदुस्तान मोटर्स की शुरुआत गुजरात के पोर्ट के पास ओखा में की थी, जिससे आसानी से कार्स के पार्ट्स इम्पोर्ट किए जा सके और ट्रांसपोर्टेशन में ज्यादा पैसे वेस्ट ना हो। शुरुआत में हिंदुस्तान मोटर्स ब्रिटेन की एक कंपनी ब्रिटिश मोटर कॉर्पोरेशन के लिए कार असेंबलिंग किया करती थी, जो कि पहले से ही इंडिया के अंदर अपनी कार बेच रही थी। कुछ सालों तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन आजादी के बाद 1948 में कंपनी वेस्ट बंगाल के उत्तर पाड़ा में शिफ्ट हो गई। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान मोटर्स इंडिया की सबसे पहली कार असेंबलिंग कंपनी थी और पूरे एशिया में सेकेंड लार्जेस्ट कार फैक्ट्री थी। पहले नंबर पर टोयोटा आती थी, जिसकी कार मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री जापान में हुआ करती थी। उत्तर पाड़ा में हिंदुस्तान मोटर्स ने अपनी पहली कार बनाई और उस कार का नाम रखा हिंदुस्तान 10, जो कि मॉरिस 10 के डिजाइन से इंस्पायर थी। उसके बाद में कंपनी ने हिंदुस्तान 14 बनाई, जो कि मॉरिस ऑक्सफोर्ड एमओ जैसी दिखती थी। उसके बाद में बनाई बेबी हिंदुस्तान, जो कि मॉरिस माइनर से इंस्पायर थी। 1954 में कंपनी ने लैंड मास्टर बनाई, जो कि मॉरिस ऑक्सफोर्ड सीरीज 2 से काफी मिलती जुलती थी। ये सभी गाड़ियां लोग खरीद तो रहे थे, लेकिन मोस्टली बायर्स अमीर लोग या फिर नेता हुआ करते थे। इंडिया का मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास पॉपुलेशन आज भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट या फिर टू व्हीलर का इस्तेमाल किया करता था। सो कंपनी ने 1957 में एक और कार बनाई, जिसने इंडिया में कार की इंडस्ट्री में क्रांति लाकर रख दी। और दोस्तों उस गाड़ी का नाम था हिंदुस्तान एम्बेसडर। दोस्तों हिंदुस्तान मोटर्स की ये जो कार थी वो मॉरिस ऑक्सफोर्ड सीरीज 3 से इंस्पायर थी, जिसके डिजाइन में मॉडिफिकेशन करके एम्बेसडर को बनाया गया था। अब दोस्तों ये भले ही मॉरिस ऑक्सफोर्ड सीरीज 3 जैसी दिखती थी, लेकिन इसे इंडियन रोड और लोगों की पॉकेट को देखते हुए डिजाइन किया गया था। ये सिर्फ 14,000 रुपए में आया करती थी, काफी स्पेशियस थी, इसमें पूरा परिवार आराम से आ जाया करता था और इंडिया की खड्डों वाली रोड पर ये बहुत ही स्मूथली चला करती थी। इसकी सबसे खास बात ये थी कि अगर गाड़ी में कोई भी खराबी आ जाती या मान लीजिए कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आ गई, तो कोई भी ऐसा इंसान होगा जिसको ऑटोमोबाइल के बारे में थोड़ा बहुत भी पता होगा, तो वो चुटकियों में उसको अपने आप ही ठीक कर सकता था। ये इंडिया की पहली डीजल कार थी, जो कि पेट्रोल वाली कार से भी सस्ती थी, यानी कि पूरी तरीके से पॉकेट फ्रेंडली। इसीलिए इसे मिडिल क्लास फैमिलीज ने काफी ज्यादा पसंद किया, जिसकी वजह से इसे एमबी जैसा निकनेम भी मिला था। अब दोस्तों ये गाड़ी काफी स्पेशियस थी और इसका डिजाइन भी काफी मॉडर्न था, इसकी वजह से अमीर लोग भी इसे काफी ज्यादा पसंद कर रहे थे और साथ ही साथ में जो सरकारी ऑफिसर्स थे, आर्मी ऑफिसर्स थे, उन्होंने भी इस गाड़ी को यूज करना शुरू कर दिया। और एक टाइम ऐसा आया कि लोग एम्बेसडर का कलर देखकर ही पहचान सकते थे कि गाड़ी में कौन जा रहा है। जैसे सफेद कलर की एम्बेसडर है और ऊपर से लाल बत्ती लगी हुई है, तो कोई ना कोई नेता ही उस गाड़ी में बैठा होगा। और अगर ब्लैक एम्बेसडर है तो मोस्टली कोई आर्मी ऑफिसर की वो गाड़ी होने वाली है। इसके अलावा रेड और येलो एम्बेसडर मोस्टली टैक्सी के लिए यूज की जाती थी। और दोस्तों वो दौर ऐसा था कि अगर किसी नेता की रैली निकलती थी तो उसमें अगर 20 गाड़ी होगी तो उसमें से कम 18 या 19 या बहुत बार तो 20 की 20 गाड़ियां एम्बेसडर ही होती थी। और अगर आप बॉलीवुड की 90s की मूवी देखेंगे तो आपको मोस्टली एम्बेसडर कार ही देखने को मिलेगी। राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री और बड़े बड़े बिजनेसमैन तक एम्बेसडर ही हुआ करती थी, जिसकी वजह से एक टाइम 16% एम्बेसडर सरकारी ऑफिसर्स के लिए खरीदी जाने लगी। एम्बेसडर को पसंद करने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये भी था कि इसके अंदर जो इंजन यूज किया जाता था वो सेम इंजन बीएमडब्ल्यू सीरीज में भी यूज किया जाता था और वो काफी ज्यादा पावरफुल था। वो 1489 सीसी और 1995 सीसी का हुआ करता था, जो बाकी इंजन की तरह थोड़ा सा ज्यादा लोड आने पर दम नहीं तोड़ता था। इसके अलावा दोस्तों ये 1.5 लीटर और 2.5 लीटर के डीजल इंजन और 1.8 लीटर के पेट्रोल इंजन के साथ आती थी, जो कि आज की एसयूवी के पावर से कम नहीं है। साथ ही बाद में इसमें सीएनजी और एलपीजी वेरिएंट भी आए थे। एम्बेसडर इंडिया बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा था, इसकी डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि कंपनी को अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ा। दोस्तों उस टाइम पर एम्बेसडर के साथ साथ इंडिया के अंदर प्रीमियर और स्टैंडर्ड मोटर्स जैसी कंपनीज भी कार बनाया करती थी, लेकिन उसके बाद भी इंडियन मार्केट में एम्बेसडर की मोनोपोली हुआ करती थी। हिंदुस्तान मोटर्स अपने बिजनेस को और भी ज्यादा एक्सपांड करना चाह रही थी और अलग अलग सेगमेंट में गाड़ियां बनाने के लिए अलग अलग कंपनीज के साथ उन्होंने कोलैबोरेशन किया था। सबसे पहला कोलैबोरेशन उनका हुआ जनरल मोटर्स के साथ, जो कि एक अमेरिका की ऑटोमोबाइल कंपनी थी। 1967 में हिंदुस्तान मोटर और जनरल मोटर्स का कोलैबोरेशन हुआ और तमिलनाडु के त्रिवेल्लोर में अर्थ मूविंग इक्विपमेंट, जैसे कि डंपर, फ्रंट एंड लोडर, क्रॉलर्स, ट्रैक्टर्स, ये सारी चीजें बनाने के लिए एक नया प्लांट बनाया गया था। और दोस्तों कंपनी के ये इक्विपमेंट भी मार्केट में खूब चले और एम्बेसडर तो पहले से चल ही रही थी, लेकिन उसके बाद में 1983 में इंडियन मार्केट में मारुति सुजुकी 800 आ जाती है, जो कि एम्बेसडर से कई मामले में बेटर थी। जैसे उसका प्राइस एम्बेसडर से बिल्कुल आधा था, मारुति सुजुकी का माइलेज भी एम्बेसडर से काफी ज्यादा था, इसका डिजाइन भी थोड़ा सा मॉडर्न था और बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स भी थे, जिसकी वजह से हिंदुस्तान एम्बेसडर की सेल्स थोड़ी बहुत कम हो गई। लेकिन दोस्तों एम्बेसडर ने ये चीज को भांप लिया और उसके बाद में जापान की आईसुजु कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर साइन किया और 1984 में अपनी नई कार कॉन्टेसा लॉन्च कर दी, जो कि मारुति सुजुकी को सीधे तौर पर टक्कर दे रही थी और इंडिया की लग्जरी गाड़ियों में से एक मानी जाती थी।
और दोस्तों इस तरीके से हिंदुस्तान मोटर ने एक बार फिर से मार्केट में अपनी खोई हुई मोनोपोली को वापस पा लिया। कंपनी ने अपने डीजल इंजन बनाने के लिए अमेरिका की एक कैटरपिलर नाम की कंपनी के साथ कोलैबोरेट किया और हिंदुस्तान ट्रैक्टर्स लॉन्च किए गए। और दोस्तों उस टाइम आप खुद जानते होंगे इंडिया ज्यादातर एग्रीकल्चर के ऊपर ही रिलाय किया करता था, इसलिए वो इंडिया के अंदर खूब ज्यादा चले। उसके बाद में 1991 और 1992 में इंडिया में लिबरलाइजेशन आने के बाद इंडिया में कई सारी फॉरेन कंपनीज आ गई, लेकिन उसके बाद में भी एंबेसडर का जो जादू था वो उस टाइम तक भी बरकरार था। उसी बीच कंपनी ने कई अलग अलग वेरिएंट के एंबेसडर, लैंड मूवर, डीजल इंजन और कार्स इंडियन मार्केट में लॉन्च की थी। इसके अलावा 1994 में कंपनी ने जनरल मोटर्स के साथ 50-50% का जॉइंट वेंचर भी साइन किया था और नई कार लॉन्च की जिसका नाम रखा गया था ओपेल एस्ट्रा। अब दोस्तों हो सकता है आप में से कुछ लोगों के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि पहले भी हिंदुस्तान मोटर्स ने जनरल मोटर्स के साथ जुड़ के काम किया था तो फिर से जॉइंट वेंचर क्यों किया। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जॉइंट वेंचर और कोलैबोरेशन दोनों अलग अलग चीजें होती है। जहां कोलैबोरेशन में दो कंपनीज एक साथ सेम गोल के लिए अलग अलग काम करती है, तो वही जॉइंट वेंचर में एक ही चीज के लिए दोनों कंपनीज इन्वेस्ट करती है। जैसे मान लीजिए हिंदुस्तान मोटर्स ने पहले जनरल मोटर्स के साथ कोलैबोरेट किया, उससे टेक्नोलॉजी और पार्ट लिए और खुद के प्रोडक्ट बना के मार्केट में लॉन्च किए, उससे जो भी प्रॉफिट हुआ, जो भी लॉस हुआ, वो पूरा का पूरा हिंदुस्तान मोटर्स का ही था। जबकि अगर मैं बात करूं जॉइंट वेंचर की, तो दोनों कंपनीज ने ओपेल एस्ट्रा बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट किया और अगर वो गाड़ी चली तो दोनों का प्रॉफिट होगा, अगर गाड़ी नहीं चल पाई तो दोनों का लॉस होगा। दोस्तों ये जो गाड़ी थी ये 5 सीटर थी, लेकिन इसकी चौड़ाई उतनी ज्यादा नहीं थी कि 5 लोग आसानी से उसमें बैठ पाते। साथ ही ऑपरेशनल प्रॉब्लम भी लोगों को फेस करनी पड़ रही थी, जिसकी वजह से ये कार ज्यादा टाइम तक नहीं चल पाई। इसके अलावा जनरल मोटर्स और हिंदुस्तान मोटर्स के बीच में जो जॉइंट वेंचर था वो भी बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाया। 1999 में जनरल मोटर्स ने हिंदुस्तान मोटर्स का गुजरात में जो प्लांट था वो खरीद लिया और दोनों अलग हो गए। अब दोस्तों मार्केट में काफी सारी फॉरेन कंपनीज भी आ चुकी थी, जिसकी वजह से हिंदुस्तान मोटर को रेगुलर बेसिस पे कंपटीशन झेलना पड़ रहा था। लेकिन गवर्नमेंट अभी भी इसके फेवर में थी, क्योंकि मोस्टली पॉलिटिशियन को लाल बत्ती वाली एंबेसडर काफी ज्यादा पसंद आया करती थी, जिसकी वजह से कंपनी ने 2004 में 9 लाख यूनिट बनाकर एक रिकॉर्ड कायम कर दिया। इसके अलावा दोस्तों 2013 में हिंदुस्तान एंबेसडर को वर्ल्ड बेस्ट टैक्सी का अवार्ड भी मिला था, क्योंकि यह सबसे टॉप गियर की टैक्सी हुआ करती थी। इसमें स्पेस बहुत ज्यादा थी और कैसी भी रोड पे स्मूथली रन कर पाती थी। मुंबई और कलकत्ता में एंबेसडर टैक्सी को काली पीली टैक्सी के नाम से जाना जाता है और इस प्रकार की काली पीली टैक्सी आपको मुंबई और कलकत्ता में आज भी देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि टाइम के साथ साथ 1958 से 2014 तक हिंदुस्तान मोटर ने एंबेसडर के कई अलग अलग मॉडल मार्केट में लॉन्च किए थे, जो कि काफी पॉपुलर हुए थे। जैसे कि 1954 से लेकर 1958 तक हिंदुस्तान लैंडमास्टर, 1958 से लेकर 1962 तक हिंदुस्तान एंबेसडर MK1, 1962 से लेकर 1975 तक हिंदुस्तान एंबेसडर MK2, इसके अलावा 1965 से लेकर 1990 तक MK3 और MK4 भी, और साथ ही साथ में 1990 से लेकर 1999 में हिंदुस्तान एंबेसडर नोवा और 2000 से लेकर 2014 तक हिंदुस्तान एंबेसडर ग्रैंड, क्लासिक, एनकोर। और दोस्तों मैं आपको बता दूं एंबेसडर एनकोर हिंदुस्तान मोटर्स का एंबेसडर का आखिरी मॉडल था। इसके अलावा मैंने आपको यह भी बताया था कि कंपनी ने एंबेसडर के अलावा और भी कई प्रकार के कार्स और इक्विपमेंट बनाए थे। इसके अलावा दोस्तों 2014 में ये खबरें भी आग की तरह फैलने लग गई कि हिंदुस्तान मोटर्स ने मैनेजमेंट के 240 एम्प्लॉयज को निकाल दिया है और उस टाइम हिंदुस्तान मोटर्स में लगभग 2300 एम्प्लॉयज काम किया करते थे। इसके अलावा दोस्तों कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस फेस कर रही थी, इसलिए उत्तरपाड़ा का जो प्लांट था वो हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और एंबेसडर ब्रांड सिर्फ 80 करोड़ रुपए में फ्रेंच की एक ऑटोमोबाइल कंपनी थी उसको बेच दिया गया। पर ऐसा क्यों हुआ, ऐसे कौन से रीजंस थे जिनकी वजह से कंपनी को अपने इतने अच्छे खासे चलते ब्रांड को बेचना पड़ा और उत्तरपाड़ा के प्रोडक्शन को पूरी तरीके से बंद करना पड़ा, चलिए अब इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। देखिए दोस्तों जितना हमने रिसर्च किया हमको ये 5 पॉइंट मिले हैं, जिनमें सबसे पहला पॉइंट है लैक ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट। दोस्तों हिंदुस्तान मोटर्स ने साल 1958 से लेकर 2000 के बीच में एंबेसडर कार के कई चेंजेस किए और अलग अलग मॉडल को अलग अलग नाम दिए, जैसे Mark II, Mark III, Mark IV। इन सभी मॉडल्स में थोड़ा बहुत डिजाइन और इंटीरियर को छोड़ के बाकी कुछ भी अलग नहीं था। इंजन से लेकर मोटर तक सब कुछ लगभग सेम टू सेम था और जब अलग बनाया भी तब इंडिया में ऐसी कई सारी कंपनीज आ चुकी थी जो इनके कार से बेटर और सस्ती कार लोगों को बेचा करती थी, जिसकी वजह से एंबेसडर की डिमांड तो कम हुई लेकिन साथ ही साथ में बाकी के जो दूसरे इनके कार्स थे और जो चीजें थी उनका भी मार्केट धीरे धीरे नीचे जाने लगा, जिसकी वजह से कंपनी को फाइनेंशियल क्राइसिस फेस करना पड़ा। दूसरा, पुअर मार्केटिंग स्ट्रेटजी। देखिए दोस्तों मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था कि एंबेसडर उस टाइम लोगों के बीच में काफी पॉपुलर थी और लोग इसे अपनी शानो शौकत समझते थे, लेकिन इस चीज को और ज्यादा बढ़ाने और एंबेसडर की और अच्छी मार्केटिंग करने की बजाय कंपनी ये सोचकर मार्केटिंग नहीं किया करती थी कि उनको मार्केटिंग करने की क्या जरूरत है, वो तो खुद ही एक वेल नोन ब्रांड है तो लोग खुद ही इनकी कार खरीदने आएंगे ही आएंगे। सो दोस्तों इसी चीज की वजह से इनके सेल्स के ऊपर काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने लगा और दोस्तों एंबेसडर अर्थ से फर्स्ट पे आ गई। तीसरा, लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन।
दोस्तों ये चीज तो आप सभी जानते होंगे कि इंडिया के अंदर लिबरलाइजेशन आने के बाद में इंडिया की कई सारी ऐसी कंपनीज थी जो लैक ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी और पुअर मार्केटिंग की वजह से कुछ ही सालों में मार्केट से गायब हो गई। और ऐसे ही कुछ हिंदुस्तान मोटर्स और उनकी सबसे बेस्ट गाड़ी एम्बेसडर के साथ भी हुआ। एलपीजी के बाद में कई बड़ी कार कंपनीज जैसे कि टोयोटो, हुंडई, सुजुकी वगैरह वगैरह इंडिया में एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ आई और यूथ को ध्यान में रखते हुए कई एडवांस फीचर और सेफ्टी फीचर ऐड किए और लोगों को सस्ते में कार बेची, और ये चीज भी हिंदुस्तान एम्बेसडर पे काफी ज्यादा भारी पड़ी। चौथा रीजन, प्राइस वॉज नॉट जस्टिफाइंग वैल्यूज। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि एम्बेसडर सीरीज में कंपनी ने कई कार लॉन्च की थी, लेकिन उन सभी कार्स में सिर्फ डिजाइन और इंटीरियर चेंज किया और लोगों को डिलीवर कर दिया। तो आप यूं समझ सकते हैं खाली छोटी मोटी चीजों को चेंज किया गया और हर बार प्राइस बढ़ाकर मार्केट में लॉन्च किया गया। और दोस्तों जब पहली बार एम्बेसडर आई थी तो उसकी प्राइस थी 14,000 रुपया, लेकिन 2013 और 2014 तक इसकी कीमत हो चुकी थी 5,00,000 रुपया। और दोस्तों लोगों को 5,00,000 रुपये उसकी फीचर्स के हिसाब से काफी ज्यादा लग रहे थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि एम्बेसडर को 5,00,000 रुपये में खरीदने से अच्छा किसी एडवांस टेक्नोलॉजी की कार को खरीद लिया जाए। पांचवा रीजन, द एंड ऑफ पॉलिटिशियंस क्रेज। देखिए दोस्तों एम्बेसडर का जो क्रेज था वो आम लोगों के साथ साथ पॉलिटिशियंस के बीच में भी कम होने लगा, और इसकी शुरुआत हुई थी इंडिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर लेट अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम से। देखिए एक बार हुआ क्या, वो बिहार विधानसभा में एक मीटिंग के लिए एम्बेसडर कार में बैठकर पहुंचे और वहां पर उनके कार का दरवाजा जाम हो गया। उसके बाद में उनके जो बॉडीगार्ड्स थे उनकी मदद से दरवाजे को खोला गया और फिर वो बाहर निकले। उसके बाद में उन्होंने एम्बेसडर की जगह पे एसयूवी और बीएमडब्ल्यू से चलना शुरू किया, क्योंकि उन गाड़ियों में एम्बेसडर की तुलना में ज्यादा सेफ्टी का ख्याल रखा जाता था और वो ज्यादा कंफर्टेबल भी हुआ करती थी। तो दोस्तों ये वो कुछ कारण थे जो एम्बेसडर और हिंदुस्तान मोटर्स के लिए बर्बादी का कारण बने। इसके अलावा अगर आपको कोई और कारण पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा अभी तक कहानी खत्म नहीं हुई है। ऐसा कहा जा रहा है कि एम्बेसडर एक बार फिर से कमबैक करने वाली है और 2024 तक इसे बिल्कुल नए अवतार में हमारे सामने पेश किया जाएगा। हिंदुस्तान मोटर्स और एम्बेसडर को खरीदने वाली कंपनी इस पे काम कर रही है, और दोस्तों काम हिंदुस्तान मोटर्स के तमिलनाडु वाले प्लांट में चल रहा है, और ये खबर खुद हिंदुस्तान मोटर्स के डायरेक्टर उत्तम बोस ने दी थी। अब दोस्तों ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या नई एम्बेसडर पुरानी एम्बेसडर की तरह पॉपुलर हो पाएगी। इसके अलावा क्या कभी आपने एम्बेसडर में सफर किया है, और अगर किया होगा तो कब किया था कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर और जान पहचान वालों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता चले कि हमारे देश की जो एम्बेसडर गाड़ी थी वो कैसे शुरू हुई थी और वो एक बार फिर से इंडियन मार्केट में आने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टा आईडी है हाई_रजनीकांत_शर्मा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर एक नई कहानी के साथ।